देखिए जुआरियों का एक्शन, फिर देखिए यूपी पुलिस का रिएक्शन। पुलिस के ऊपर हमलावर हुए और हमारे कुछ पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई। उत्तर प्रदेश के बरेली में जुआरियों ने पुलिस टीम को घसीट घसीट कर पीटा। योगी की पुलिस ने जुआरियों को पढ़ाया कलमा, देखिए क्या बोलते हुए नजर आए। हवालात से निकलते ही रहम की भीख मांगते नजर आए जुआरी। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपी मार मार और मार चिल्ला रहे थे। पुलिस ने इनमें 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन्हें ऐसा पाठ पढ़ाया कि अब ये हवालात से निकलते ही हाथ जोड़ते हुए कहते नजर आ रहे हैं, गलती हो गई साहब, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, रट रहे हैं। हवाला से निकलते ही वो रहम की भीख मांगते नजर आ रहे हैं। सभी आरोपी लंगड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। दरअसल पूरा मामला बरेली के थाना प्रेमनगर इलाके में है। गुरुवार की रात्रि को गश्त कर रही चीता टीम पुलिस पर जुआ खेल रहे आरोपियों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने पुलिसकर्मी की डंडों से पिटाई कर दी, उन्हें गिरा गिरा कर पीटा और पत्थरबाजी भी की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद मामले में प्रेमनगर थाने में 15 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दरअसल पुलिस ने दबिश देकर 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को जब थाने के लॉकअप से बाहर निकाला गया तो वो लंगड़ाते हुए निकलते हुए पुलिस से हाथ जोड़कर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, गलती हो गई साहब, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन सभी आरोपियों को जेल भेजा गया है। पूरा मामला प्रेमनगर थाना इलाके में दिवाली की रात गश्त के दौरान पुलिस टीम पर आरोपी धीरज, विजय, कपिल, विपिन, नन्ने, राजू, छोटेलाल तमाम सारे 20 से 25 अज्ञात लोगों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर हमला बोल दिया था। आरोपियों ने डंडे से पिटाई भी कर दी, पुलिस की वर्दी भी फाड़ दी। वहीं हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिश देकर 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में SP अनुराग आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार की रात गश्त के दौरान अराजक तत्वों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। 15 नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिनमें मुख्य आरोपी धीरज, विपिन और कुणाल, आदेश, रमेश चंद, अर्जुन, राहुल और वरुण कुमार हैं। इन आरोपियों को कठोर पाठ पढ़ाकर जेल भेज दिया गया है। ये कार्रवाई ऐसे अराजक तत्वों के लिए स्पष्ट संदेश भी है कि अगर कोई किसी तरह का कृत्य करता है या महिलाओं से अभद्रता करता है तो इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। कल दीपावली पर्व के पावन अवसर पर शाम के समय समस्त जनपद की पुलिस ड्यूटियां भ्रमणशील थी। थाना प्रेमनगर अंतर्गत भी हमारी चीता मोबाइल के पुलिसकर्मी इसी के लिए दृष्टिगत रखते हुए वो भी लगातार भ्रमणशील थे। प्रेमनगर अंतर्गत कुछ अराजक तत्वों के द्वारा शराब का सेवन कर जुआ खेला जा रहा था। जब गश्त में रहे पुलिसकर्मियों के द्वारा इनको रोका गया तो ये पुलिस के ऊपर हमलावर हुए और हमारे कुछ पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई। इस संबंध में तत्काल एडिशनल SP सिटी, CO साहब और थानेदार को मौके पर भेजा गया। थाना प्रेमनगर पर 433/24 FIR दर्ज की गई है। इसमें अत्यंत गंभीर धाराएँ, धारा 191-2, 191-3, 190, 109, 121-1, 132, 115-2, 352, 351-2 भारतीय न्याय संहिता और 7 CL एक्ट के अंतर्गत 15 लोगों पर FIR पंजीकृत की गई है। इन 15 लोगों में से 9 मुख्य लोग, इनको गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें धीरज, विपिन, कुणाल, आदेश, रमेश चंद्र, अर्जुन, राहुल, वरुण कुमार और अशोक वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन एवं उत्तर प्रदेश पुलिस की कानून व्यवस्था में अराजकता फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुपालन में विधि द्वारा स्थापित कठोर कानूनी प्राविधानों एवं पुलिस को प्रशस्त वैधिक शक्तियों का कठोर पाठ पढ़ाकर इनको जेल भेजा जा रहा है। यह कार्रवाई ऐसे समस्त अराजक तत्वों के लिए बरेली पुलिस की तरफ से एक स्पष्ट संदेश भी है कि अगर कोई अराजक तत्व इस तरह की हरकत करता है और जो आसपास महिलाएं गुजर रही हैं मार्केट क्षेत्र से या सड़क से गुजर रही हैं उनके साथ अभद्रता करता है तो हम इसमें अत्यंत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और नज़ीर बनाने वाली कार्रवाई करते हुए उनके आचरण को दुरुस्त करने के लिए विधिक प्राविधानों का इस्तेमाल करते हुए इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
और माननीय न्यायालय से भी इसकी पैरवी कराते हुए अच्छा साक्ष्य संकलन करते हुए इनको जल्द से जल्द सजा कराने के लिए भी लगातार प्रयासरत रहेंगे और बहुत कठोर सजा इनको कराई जाएगी। इसके साथ साथ सभी पुलिसकर्मी जो इस घटना में जिनको चोटें आई हैं और जिनके द्वारा सतर्कता दिखाते हुए ऐसे अराजक तत्वों को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया, उन्होंने अपने ड्यूटी के प्रति बहुत सजगता दिखाई, इन सभी को मेरे द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि ये जो लोग इस घटना में शामिल थे इनको कठोर से कठोर सजा इंश्योर की जाए।